Good day to all of you students. Student, today I shall teach you class 9th history. Lesson 1, name of the chapter is the French Revolution and it's a part 7th of this chapter. Student, our next point is a directory rules France. The fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize the power. The fall of the Jacobin government. Student, जब Jacobin government जो है उसका पतन हुआ तो कामयाब नहीं हुए तो क्या हुआ उसके बाद में जो वेल्दियर मिडिल क्लास थे जो मिडिल क्लास में अच्छे लोग थे जो रिच लोग थे जो प्रेस्पीरियस लोग थे उन्होंने जो पावर उनके हाथ में आ गई जैकोबिन गवर्नमेंट के बाद में जब जैकोबिन गवर्नमेंट कामयाब नहीं हुई तो जो वेल्दियर मिडिल क्लास थे पावर उनके हाथ में आ गई तो क्या हुआ स्टूडेंट एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस और एक नया संविधान बनाया गया विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी और कहते जो नया संविधान बनाया गया उसके अकॉर्डिंग क्या था स्टूडेंट डिनाइड होता है इनकार करना डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन थे जो जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इट प्रोवाइडेड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और इसने क्या प्रोवाइड किया टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दो जो उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को चुना था दीज देन अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी और जब जो है उन्होंने पहले दो लेजिस्लेटिव काउंसिल चुनी और उन्होंने क्या किया एक जो है डायरेक्टरी अपॉइंटेड की दीज देन अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी एन एग्जीक्यूटिव मेडअप ऑफ 5 मेम्बर्स और जो उन्होंने डायरेक्टरी जो अपॉइंट की स्टूडेंट उसमें क्या था एग्जीक्यूटिव मेडअप 5 मेंबर्स और डायरेक्टरी में जो एग्जीक्यूटिव थे जो ऑफिशियल काम करने वाले थे वो स्टूडेंट 5 मेंबर थे दिस वाज मीन्ट एज ए सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन ए वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर जैकोबिन और इसका मतलब क्या था जब उन्होंने डायरेक्टरी चुना और उसके अंदर 5 मेंबर थे इसका मतलब क्या था वो सेफ गार्ड है सेफ गार्ड क्या है कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन कि अब जो पावर है वो एक आदमी के हाथ में नहीं थी एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन जिस तरह की जैकोबिन में जो थी पावर एक ही आदमी के एक जो लीडर था उनका मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर उसके हाथ में थी अब क्या थी पावर जो है एक आदमी के हाथ में नहीं थी अब पावर 5 आदमियों के हाथ में थी हाउएवर द डायरेक्टर्स ओफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल परंतु फिर भी क्या था कैसे कहते जो उनके डायरेक्टर थे उन्होंने डायरेक्टरी में 5 मेंबर तो चुन लिए एग्जीक्यूटिव के लेकिन वो डायरेक्टर क्या थे ओफन क्लैश हमेशा आपस में लड़ते रहते थे विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हु देन सॉट टू डिसमिस देम और फिर उन्होंने सोचा कि अब हम इसको जो है डिसमिस कर देंगे अब जो ये हमारी लेजिस्लेटिव है जो 5 मेंबर की डायरेक्टरी है इसको डिसमिस करेंगे द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटर और जब डायरेक्टरी भी कामयाब नहीं हुई डायरेक्टरी में जो 5 मेंबर थे वो आपस में लड़ते रहते थे तो क्या हुआ डायरेक्टरी भी जो है डिसमिस हो गई फिर क्या हुआ स्टूडेंट राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर फिर मिलिट्री डिक्टेटर कौन आया स्टूडेंट नेपोलियन बोनापार्ट आया थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द आइडल्स ऑफ फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड फ्रेटर्निटी रिमेंड इंस्पायरिंग आइडल्स दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट इन फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फिर क्या हुआ गवर्नमेंट में बहुत सारी चेंजेस आई क्या चेंजेस आई स्टूडेंट द आइडल्स ऑफ फ्रीडम उनमें ये आइडियाज थे कि फ्रीडम चाहिए और क्या इक्वलिटी चाहिए कानून के सामने फ्रेटर्निटी है भाईचारे की भावना को भी जो है इंस्पायर किया गया और इससे क्या हुआ दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस और इससे जो फ्रांस में जो है पॉलिटिकल मूवमेंट को जो है मोटिवेट किया गया फ्रांस के अंदर जो है राजनीतिक आंदोलन शुरू हुए तो उसको उनको मोटिवेट किया गया किन आइडिया से कि आज़ादी होगी सब कुछ बराबर होंगे और जो है सब भाईचारे की भावना होगी एंड रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी और आने वाली सेंचुरीज में भी क्या है ये वाले जो आइडल्स तो जो थे बाकी यूरोप में भी जो है अपनाए गए स्टूडेंट आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन क्या जो वुमेन थी या क्या जो औरतें जो थी उन्होंने भी रेवोल्यूशन में जो है क्रांति में जो है पार्टिसिपेट किया था उनका भी कोई रोल था इसमें रेवोल्यूशन में
From the very beginning, women were active participants in the event which brought about so many important changes in French society. और कहते स्टूडेंट शुरू से ही जो औरतें थी वो भी उसमें पार्टिसिपेट करती थी. जब कोई मोमेंट होता था, कोई आंदोलन शुरू होते थे, रेवोल्यूशन होती थी, लोग विद्रोह करते थे, तो उसमें क्या औरतें भी जो है उसमें पार्टिसिपेट करती थी. विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी. और जब औरतों ने पार्टिसिपेट शुरू किया तो क्या हुआ, फ्रेंच जो सोसाइटी थी उसमें बहुत सारे बदलाव आए. दे होप डेट देर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर टू इम्प्रूव देयर लाइफ. और उनकी ये जो वुमेन थी वो क्यों पार्टिसिपेट करती थी, क्योंकि उनको उम्मीद थी, उनको उम्मीद थी कि अगर वो भी इन्वॉल्व होंगी ना तो क्या होगा, कि गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ इंट्रोड्यूस मेजर करेगी, कुछ ऐसे तरीके अपनाएगी कि उनकी ज़िंदगी में भी इम्प्रूवमेंट होगी, उनकी ज़िंदगी में भी कुछ सुधार आएगा. मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग. और ज़्यादा तो जो औरतें थी स्टूडेंट, जो थर्ड स्टेट की औरतें थी, और उनमें क्या था, औरतों को जो है बहुत काम करना पड़ता था. और वो क्या काम करती थी स्टूडेंट, दे वर्कड एज सीमस्ट्रेस. वो सीमस्ट्रेस काम करती थी और लॉन्ड्रेसेस, सीमस्ट्रेस और लॉन्ड्रेसेस है, कपड़े धोने का काम करती थी. सोल्ड फ्लावर्स, फूल बेचती थी, फल बेचती थी, वेजिटेबल बेचती थी एट द मार्केट. मार्केट में जाके ये चीज़ों को बेचा करती थी औरतें. और वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउस ऑफ द प्रॉस्पीरियस पीपल. या फिर वो क्या करती थी, लोगों के घरों में जाके नौकरी करती थी, लोगों के घरों में काम करती थी साफ सफाई का. मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग. बहुत सारी तो ऐसी लेडीज़ थी जिनको एजुकेशन नहीं थी, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें कोई जॉब की ट्रेनिंग भी नहीं थी. ओनली डॉटर्स ऑफ द नोबल्स और द वेल्थियर मेम्बर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट ए कॉन्वेंट. कहते जो लड़कियां थी, जो नोबल लोग थे, जो बड़े लोग थे, नोबल लोग थे, उनकी बेटियां या कोई बहुत अमीर लोग होते थे, वेल्थियर मेंबर होते थे, या तो नोबल की जो नोबल लोग थे उनकी बेटियां, या वेल्थियर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, या फिर थर्ड स्टेट में जो है जो पैसे वाले लोग थे उनकी बेटियां जो है कॉन्वेंट स्कूल में जाती थी पढ़ने के लिए. आफ्टर विच देयर फैमिली अरेंज ए मैरिज फॉर देम. और जब वो पढ़ जाती थी तो फिर उनके माँ बाप जो है उनकी शादी कर देते थे. वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिली. और जो वर्किंग वुमेन थी उनको भी अपने परिवार का ध्यान रखना पड़ता था. दैट इज़ वो क्या काम करती थी, जो वर्किंग वुमेन थी अपने परिवार का ध्यान रखती थी, खाना बनाती थी, कुक करती थी, फेच वाटर पानी भी लेके आती थी, क्यू अप फॉर अ ब्रेड. और ब्रेड खरीदने के लिए उनको लाइन में भी लगना पड़ता था. और क्या करना पड़ता था स्टूडेंट, लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, उन्हें बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता था. एंड देयर वेजेस वर लोअर देन द दोज ऑफ मैन. और जो लेडीज़ थी वो काम तो पे जाती थी लेकिन उनकी तनख्वाह जो है आदमियों के मुकाबले में कम होती थी. इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर. इन ऑर्डर टू डिस्कस, कहते लेडीज़ आपस में डिस्कस करना चाहती थी एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, और आपस में जो है बात करना चाहती थी. तो क्या हुआ स्टूडेंट, औरतों ने भी क्या किया, स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब. उन्होंने अपने और अपने जो है पॉलिटिकल क्लब बनाने शुरू कर दिए और जो है न्यूज़पेपर बनाने शुरू कर दिए. अबाउट 60 वुमेन्स क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सोसाइटी. और उन दिनों स्टूडेंट क्या हुआ, फ्रांस में जो है 60 वुमेन क्लब, 60 जो है औरतों के क्लब बने हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट क्लब बना रखे थे लेडीज़ ने. द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन इज द मोस्ट फेमस ऑफ देम. और उनमें जो सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा था स्टूडेंट, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन. ये जो है सबसे मोस्ट जो है उनका फेमस क्लब था. वन ऑफ देयर मेन डिमांड वॉज दैट वुमेन एन्जॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन. और कहते जो लेडीज़ थी उनका मेन डिमांड क्या थी स्टूडेंट, उनका ये था कि आदमियों को जो इन्जॉय करते हैं राइट, जो आदमी पॉलिटिकल राइट इन्जॉय करते हैं उनको मिलते हैं, वो औरतों को भी मिलने चाहिए. वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन. और वुमेन जो थी वो बहुत परेशान थी. वो इसलिए परेशान थी कि जब 1791 में संविधान बना था फ्रांस का, तो उसमें संविधान में क्या था, वो जो वुमेन थी उनको रिड्यूस कर दिया था, उनको एज ए पैसिव सिटीजन थी वो. और पैसिव सिटीजन का मतलब उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था. दे डिमांडेड द राइट टू वोट. और औरतों ने डिमांड किया कि हमें अधिकार दो वोट डालने का, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली. हमें भी असेंबली में इलेक्ट करना चाहिए, हमें भी चुना जाना चाहिए.
टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, हम भी पॉलिटिकल ऑफिस में बैठ के काम करेंगे। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। तब उन्होंने सोचा कि वो अगर ऐसा करेंगी तभी जो है गवर्नमेंट में जो है उनकी जो है जगह बनेगी। इन द अर्ली ईयर द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड नॉट इंट्रोड्यूस लॉ। कहते शुरू में तो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने जो है उन्होंने कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया लॉ, कानून जो है नहीं बनाया। दैट हेल्प्ड इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द वुमेन। शुरू में तो ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट ने किया ही नहीं कि जिससे औरतों की ज़िंदगी में कुछ सुधार आ सके। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ द स्टेट स्कूल, स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल द गर्ल्स। फिर क्या हुआ, टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ द स्टेट स्कूल, जब स्टेट के अंदर स्कूल बनाए गए तो लड़कियों के लिए स्कूलिंग जो है कंपल्सरी कर दी गई कि वे स्कूल में जो है पढ़ेंगी। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इन टू मैरिज, और उनके फादर जो हैं उनको फोर्स नहीं कर सकते थे मैरिज के लिए, अगेंस्ट देयर विल, उनकी इच्छा के बिना जो है उनको उनकी ज़बरदस्ती शादी नहीं की जा सकती थी। मैरिज वॉज मेड इन कॉन्ट्रैक्ट एंटर इन टू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर लॉ। और मैरिज जो है उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, कॉन्ट्रैक्ट एंटर इन टू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर। कहते जब मैरिज होती थी ना तो उसको वो जो आज़ाद थी और उसके लिए क्या था, उसकी मैरिज को रजिस्टर किया जाता था कोर्ट में जाके, सिविल लॉ में उसको जो है वहाँ पे रजिस्टर किया जाता था जब किसी की मैरिज होती थी। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल, और वो अगर वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था वो डाइवोर्स भी कर सकती थी अपने हस्बैंड को। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमन एंड मैन। कहते अगर किसी को डाइवोर्स चाहिए था, वो आपस में हस्बैंड वाइफ नहीं रहना चाहते, तो वुमेन भी अप्लाई कर सकती है डाइवोर्स के लिए, आदमी भी अप्लाई कर सकते हैं। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब। अब औरतों को जो है ट्रेनिंग दी जाती थी जॉब के लिए। कुड बिकम आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट भी बन सकती थी और छोटा बिजनेस भी चला सकती थी, रन स्मॉल बिजनेस भी चला सकती थी। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट हाउएवर कंटिन्यूड। कहते औरतों का संघर्ष जो है अपने बराबर पॉलिटिकल राइट लेने के लिए चलता रहा, लगातार चलता रहा। ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉ ऑर्डरिंग्स। ड्यूरिंग द रीन ऑफ द टेरर, कहते जब रीन ऑफ टेरर था, जब एक डर का टाइम पीरियड चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने जो है कुछ लॉ इशू किए थे। ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेंस क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। कहते जब स्टूडेंट भय का दौर चल रहा था, जब डर का दौर चल रहा था, द न्यू गवर्नमेंट इशू लॉज, और गवर्नमेंट ने जो नई गवर्नमेंट थी उसने जो है कुछ जो है लॉ इशू किए और क्या ऑर्डर दिया, क्लोजर ऑफ द वुमेंस क्लब, के जो वुमेन के क्लब हैं इनको बंद कर दिया जाए। बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और जब वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में बातें करती हैं उसको बैन कर दो, उसको बंद करो। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड, और बहुत सारी लेडीज़ को जो है अरेस्ट किया गया। ए नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड, बहुत को तो जान से ही मार दिया गया। वुमेन्स मोमेंट फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कहते ये जो औरतों के आंदोलन थे कि उनको वोटिंग राइट चाहिए, उनको बराबर की सैलरी चाहिए, ये लगातार चलता रहा स्टूडेंट, आगे आने वाले 200 साल तक जो है पूरे विश्व में बहुत सारी कंट्रीज में चलता रहा। द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मोमेंट ड्यूरिंग द लेट 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी। द फाइट फॉर द, कहते युद्ध चलता रहा, किसके लिए स्टूडेंट, के वोट डालना, वोट के लिए जो है फाइटिंग चलती रही। क्या द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल, कहते इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में जो है सफरेज होता है वोट डालने का अधिकार, वोट डालने का सफरेज मोमेंट पूरे जो दुनिया में जो है इंटरनेशनल सफरेज मोमेंट जो है चलता रहा। इंटरनेशनल सफरेज मोमेंट पूरी दुनिया में जो है वोट डालने का आंदोलन चलता रहा 19वीं शताब्दी में और लेट 19वीं सेंचुरी में और अर्ली जो है 20वीं शताब्दी में। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर वॉज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और स्टूडेंट जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी जो फ्रेंच औरतों ने जो है पार्टिसिपेट किया था, ये एक उदाहरण के तौर पर जो है ली जाती थी। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द फ्रेंच वुमेन, जो फ्रांस की औरतों ने पॉलिटिकल एक्टिविटी ली थी, ये जो था एक एग्जाम्पल था। कब था एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स वॉज कैप्टलाइज एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। इसको एक एग्जाम्पल माना गया और इसको जो है एक इंस्पायरिंग मेमोरी
दूसरों को इंस्पायर करने के लिए जो है इनकी बातें की जाती थी कि ये बहुत बोल्ड ब्रेव वुमेंस थी। इट वॉज फाइनली इन 1946 द वुमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट। और फाइनली क्या हुआ स्टूडेंट, 1946 में फ्रांस में जो है औरतों को वोट डालने का अधिकार मिल ही गया। स्टूडेंट आई हैव टॉट यू पार्ट 7 ऑफ दिस चैप्टर एंड आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड एंड रेस्ट ऑफ द थिंग आई शेल टेल यू इन द नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो एंड स्टूडेंट यू टेल इट टू अदर स्टूडेंट सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड स्टूडेंट स्टे सेफ स्टे एट होम Obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.